डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ग्रेट लीडर्स को मेरा सलाम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेफ्स ऑफ कंपनी 2018 में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कैसे बनी? सेफ्स ऑफ कंपनी नंबर वन कंपनी इसलिए क्योंकि इस कंपनी में इंडिया के ग्रेट लीडर्स एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक साथ काम करते हैं और इन सभी लीडर्स ने सेफ्स ऑफ के हर नियम का पालन किया है। तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ज्वाइनिंग लेने के तुरंत बाद प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना और उन पर अमल किया और देखते ही देखते वे डायमंड के पद पर पहुंच गए। प्रेजेंटेशन से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को जानकर और अपने जीवन में अपनाकर आप भी एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं, तो आइए इन्हें जानते हैं। नंबर वन, आप वेन्यू के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमान का इंतजार न करें। यह प्रोफेशनल तरीका नहीं होता, इससे लगता है कि आपको उसकी बहुत ही जरूरत है। नंबर टू, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप मीटिंग की आगे वाली कतार में ही अपने मेहमान के साथ बैठें और प्रेजेंटेशन के अंत में आप भी उनसे कुछ कहें, जैसे आपको नई जानकारी मिली होगी, आपके लिए यह एक नया अनुभव होगा। इसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट को स्पीकर तथा अपलायंस से मिलवाएं। नंबर थ्री, आप अपने साथ बिजनेस कैलेंडर हमेशा रखें और ओपन मीटिंग के बाद प्रोस्पेक्ट से 24 घंटे के भीतर ही एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जाते समय प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप इन्फॉर्मेशन पैक जरूर दें। नंबर फोर, मीटिंग के बाद खड़े होकर बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। उन पर अभी से बिजनेस शुरू करने का दबाव नहीं डालिए, उन्हें समय से घर भेज दीजिए, क्योंकि सारी बातें एक रात में ही नहीं की जा सकती। नंबर फाइव, प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करवाते समय अपनी अपलाइन और अपने साथियों की तारीफ करें, ना कि प्रोस्पेक्ट की तारीफ शुरू करें। नंबर सिक्स, स्वयं अपना तथा अपने प्रोस्पेक्ट का मोबाइल बंद करवा दें, वाइब्रेशन मोड में भी ना रखें। यदि प्रोस्पेक्ट आते ही जाने की चर्चा करने लगे किसी जरूरी काम हेतु, तो उसे आदर सहित प्रेजेंटेशन शुरू होने से पूर्व जाने को कह दें तथा उससे कहें कि फिर कभी मौका मिला तो आप उसे जरूर आमंत्रित करेंगे। नंबर सेवन, डिसिप्लिन बनाए रखें तथा व्यावसायिक ड्रेस पहनकर ही आएं तथा समय की पाबंदी पर ध्यान दें। नंबर एट, प्लान प्रारंभ होने से पूर्व प्रोस्पेक्ट को अकेला या परिचित के साथ न छोड़ें, ना ही प्रेजेंटेशन के विषय में चर्चा करें, हल्की फुल्की बातें करें। नंबर नाइन, प्रोस्पेक्ट को आने के बाद अपनी अपलाइन तथा साथियों से मिलवाएं, जिससे वह सहज महसूस करें। प्रोस्पेक्ट से सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक विषयों पर चर्चा न करें। बहरहाल दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपका बिजनेस और आपकी टीम तेजी से ग्रोथ करे और आप भी फ्यूचर में डायमंडशिप को अचीव करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।